हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में जो यूजी, पीजी और बीएड के एग्ज़ाम होने हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे, आपको कैसे शीट का यूज करना है और आपको एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो मेन क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होंगे। स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके कॉलेज के द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा कि वो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन। आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है। आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान गूगल मीट के थ्रू आप पर नज़र रखी जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम भी दे सकता है। एग्ज़ाम के दौरान गूगल मीट यदि किसी स्टूडेंट की डिसकनेक्ट हो जाती है तो उसकी यूएमसी बना दी जाएगी। स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं यूजी, पीजी और बीएड के, वो भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट होगी उसके फर्स्ट पेज पर उनको अपना रोल नंबर लगाना है और स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट की पीडीएफ बनानी है। जो पीडीएफ का नाम दोगे वो आपको अपना रोल नंबर का देना है। जो पीडीएफ नेम होगा वो आपका रोल नंबर होगा। कॉलेज के द्वारा गूगल फॉर्म प्रिपेयर किया जाएगा और उसका लिंक स्टूडेंट्स को शेयर किया जाएगा। स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म के थ्रू ही अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे। स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उनको पहले ये देख लेना है कि उनको सही क्वेश्चन पेपर मिला है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 4 घंटे दिए जाएंगे। मॉर्निंग में जो टाइम होगा वो होगा 9:30 AM to 1:30 PM और जो इवनिंग शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होगा उनका टाइम होगा 1:30 PM to 5:30 PM। आपको इन 4 घंटे के अंदर ही अपना एग्ज़ाम देकर अपनी आंसर शीट है उसकी पीडीएफ बनाकर सबमिट करनी होगी। यदि इन 4 घंटे के बाद कोई सबमिट करता है तो उसका पेपर फिर इवेलुएट नहीं किया जाएगा। जो आप शीट यूज करोगे वो A4 साइज का पेपर आपको यूज करने हैं, शीट जो यूज करोगे आप, और आप मैक्सिमम 36 पेज यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उनको सीरियल नंबर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया उसके बाद फिफ्थ कर रहे हो। आपको सीरियल नंबर वाइज करना है, पहले फर्स्ट उसके बाद सेकंड फिर थर्ड, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप जो क्वेश्चन नंबर लिखते हो इस बार वो आपको सेंटर में लिखना है, साइड में ना लिख कर सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखोगे। स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट होगी उस पर स्टूडेंट्स को पेज नंबर भी लिखने हैं और आपका जो फर्स्ट पेज होगा फर्स्ट पेज पर आपको ये सारी डिटेल लिखनी है। यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेज पर क्लास, कोड ऑफ पेपर और डेट ऑफ एग्जाम, ये सारी डिटेल लिखनी है। स्टूडेंट्स आंसर सीट में सभी सीट के ऊपर अपना रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर लिखेंगे और सभी सीट पर अपना सिग्नेचर भी करना है। यदि आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर कंप्लीट अपना करने के बाद पेपर की पीडीएफ फाइल में सेव करना है। उसको आप स्कैनर या मोबाइल ऐप का यूज करके अपने पेपर की पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ का जो नाम देंगे वो आप अपना रोल नंबर देंगे। स्टूडेंट्स को जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा
उस एडमिट कार्ड पर आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है और अपने सिग्नेचर करने हैं। स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर वो सबमिट करना है। अगर कोई स्टूडेंट बाद में सबमिट करेगा तो उसका पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स जब आंसर बुक अपनी भेजेंगे तो उसमें आपको गूगल फॉर्म के सब्जेक्ट में अपना नाम, रोल नंबर और पेपर का कोड डालना है। गूगल मीट के थ्रू आपके टीचर्स आपको ऑब्जर्व करेंगे। आपको कैमरे के सामने ऐसे बैठना है कि आप कंप्लीट दिखाई दे। यदि कोई स्टूडेंट बीच में उठ के चला जाता है या इधर उधर देखता है तो उसका UMC बना दिया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को पेपर पर अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, अदरवाइज उसका भी UMC बना दिया जाएगा।